दोस्तों, ये एसएमपीएस जिसे आप बोल सकते हैं पावर सप्लाई, इस पावर सप्लाई के विषय में हम जानते हैं। सबसे पहले मैं आपको स्पष्ट रूप से दिखा देना चाहता हूँ। यहाँ पर देख सकते हैं एसी का इनपुट करने के लिए यहाँ पर एलएन दिया है और यहाँ पर ग्राउंड के साथ यहाँ पर आप आउटपुट कर सकते हैं माइनस माइनस प्लस प्लस सप्लाई को। अब हमको जानना है इस तरीके का एलईडी बल्ब झालर को चलाने के लिए T1000S लाइट कंट्रोलर को हम कैसे कनेक्शन करते हैं, तो आइए इसके विषय में हम जानते हैं कनेक्शन करना। यहाँ पर इस रिसीवर में सबसे पहले आप लाइन इनपुट कर लें 220 वोल्ट और यहाँ पर आप देख सकते हैं माइनस 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 और प्लस प्लस प्लस, ये सभी लाइन को आउटपुट करते हैं कम वोल्टेज में। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि इस रिसीवर में यहाँ पर इनपुट करना है, तो मुझे वहाँ से जो मेन है जो एसएमपीएस है वहाँ से प्लस माइनस देख करके, यहाँ से देखिए प्लस माइनस लेकर के मैं यहाँ पर इनपुट किया हूँ। तो एक सप्लाई आप यहाँ पर इनपुट कर लें, इसके बाद जो झालर है ये देख रहे हैं यहाँ पर, इसमें पांच तार है। यहाँ पर देख सकते हैं सबसे पहले लाल, हरा और सफ़ेद दिया हुआ है। इसके साथ मैं बात करूँ तो यहाँ पर लाल और सफ़ेद अलग से दिया हुआ है, तो 3 × 2 = 5 तार हो गया। इसको कनेक्शन कैसे करना है, लाल को हटा करके सफ़ेद रखना है ग्राउंड पर और डेट पर रखना है हरा वाला T1000S में। इसके बाद मैं बात करूँ यहाँ पर, तो लाल और सफ़ेद ये क्या है भैया, ये है यहाँ से आप प्लस माइनस देख करके इसमें इनपुट कर सकते हैं सप्लाई को, जो कि एमपीएस में से जाएगा। ये आपको दो दो झालर या पूरी झालर में सप्लाई देने के तो बहुत ही अच्छा रहेगा, बहुत अच्छा ग्लो करेगा। यहाँ पर देख सकते हैं लाल और सफ़ेद जो तार है, यहाँ से मैं पावर सप्लाई जो कि एमपीएस में से दिया हूँ, यहाँ पर आप देख सकते हैं ठीक वैसे ही यहाँ पर काला और लाल दिखाई दे रहा था, नीला और पीला। आगे आपको मैं दिखाऊंगा, ये जो नीला वाला तार है ये मैं जॉइंटिंग किया हूँ आगे, तो आपको काला आगे तार मिलेगा। देख सकते हैं यहाँ पर काला और पीला। अब यहाँ पर मैं इतना जो झालर है यहाँ पर देख सकते हैं लाल वाला जो तार है इसको मैं प्लस में कनेक्शन किया हूँ और जो सफ़ेद तार है उसमें माइनस में कनेक्शन किया हूँ। ठीक आगे मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक वैसे ही कनेक्शन है। यहाँ पर देख सकते हैं आप लाल वाले तार को मैं कनेक्शन किया हूँ पीला में और सफ़ेद का जो है उसे मैं काला वाले में कनेक्शन किया हूँ। इसी तरीके के साथ आपको भैया करना है लाइट का वायरिंग। जो सॉकेट है सॉकेट को आप सेम रहने दें, दो जो पहले वाला सॉकेट है वो दूसरा वाला झालर है, मतलब पूरे जोड़ते चले जाएं सॉकेट को आप, और सॉकेट को जोड़ने के बाद कनेक्शन करना बिल्कुल ना भूलें। कनेक्शन नहीं करते हैं तो आपका झालर कम जलेगा या जलेगा ही नहीं। दोस्तों, ये जो काला और पीला तार है ये एमपीएस में से आया है, इसे आप भूल से भी 220 वोल्ट में ना लगा दें तो आपकी एलईडी ख़राब हो सकती है। यहाँ पर एसटी कार्ड लगा दिया गया है, सीसीटी कार्ड में सारा प्रोग्रामिंग सेटअप है कि कौन सा लुक में कैसा चलेगा, बहुत सारे सिस्टम हैं, तो मैं आगे आपको दिखाऊँगा कि ये कैसा लुक दे रहा है ये झालर, बहुत ही सिंपल तरीके से।